गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए आज वर्क सिक्स के बच्चे का है, लेसन टू विषय हिंदी है। लेसन टू में हम लोग का है छोटा जादूगर। वर्क सिक्स के बच्चे ध्यान देंगे छोटा जादूगर। देखिए प्रस्तुत कविता के माध्यम से है, जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक का वर्णन किया गया है जो कर्तव्य बोध होने पर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार का मदद करता है। एक नन्हा सा बालक अपना पूरा कर्तव्य का बोध करके और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने पूरे परिवार का मदद करता है, परिवार चलाता है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था, उस समय छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते थे, ऊपर एक मोटी सी सूती सी रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। एक छोटे से रस्सी पड़ी थी, उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी और मैं उसकी ओर न जाने की वो क्यों आकर्षित हुआ, मतलब उनकी जो ओर आने क्या आकर्षित हुए वो बता रहे हैं। उसके अभाव में भी मैं संपूर्णित थी। मैंने पूछा, क्यों जी, क्या जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा, यही चूड़ी फेंकता है, खिलौने का निशाना लगाता है, तीर से नंबर छेदता है। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर ने बिल्कुल निकम्मा है, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूं। उसकी वाणी में यही रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम क्यों गए थे? नहीं, वहां तो नहीं जा सका, टिकट लगता है। वहां तो मैं नहीं जा सका क्योंकि टिकट लगता है, वो बालक बता रहा है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा ले चलूं, मैं तुमको वहां पे ले चलता हूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे, भाई आज के तुम्हें। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाएगा। ओ क्या बोलते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, कोई मेला वगैरह लगता होगा तो निशाना लगाना, जैसे पार्ले जी का बिस्किट रखा रहता है, आप लोग वहां पे फेंकते हैं तो निशाना लगता है, पैसा रखा रहता है उसका निशाना लगाना। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिए जाए, चलो मैं पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया, हाँ चलिए, अपना सिर से ही बोल दिया हाँ चलिए। मनुष्यों की भीड़ में जारे की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उसने पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। तुम्हारे और कौन है? तो बोला, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में। उस बच्चे ने बोला, पूछा गया उनसे कि उन्होंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया? तो बाबूजी जेल में है और तुम्हारी माँ वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ की दवाई दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक तसल्ली होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ मैं सच कहता हूँ, बाबूजी माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहा जेल में, जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ का दवा करूं और अपना भी पेट भर। मैंने दीर्घ निश्वास लिया और चारों ओर बिजली की लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ खिलौने के गेंद से गिराया जाता है। वहां पे खिलौना रखा था और निशाना लगाना था क्या, गेंद से उस खिलौने को गिराना था। मैंने बाहर टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज।
वो लड़का पक्का निशानेबाज, मतलब पूरा निशाना जहां वो रखा रहता था वहां निशाना वो लगा देता, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, उसकी कोई भी गेंद जो मार रहा था ना वो इधर उधर नहीं गया, निशाना पे ही गया। देखने वाले दंग रह गए, उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तो तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वो 9:02:11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर गया, पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता, झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा, झूले में जो राउंडिंग हो रहा था उसको देखने लगे। अकस्मात किसी ने ऊपर को हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। उस लड़का ने बोला कि मैं हूँ छोटा जादूगर, कोलकाता के सुंदर बोटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, मतलब वो लोग सब मंडली के सामने खाके बातें कर रहे थे और जलपान कर रहे थे। इतने में ही वह छोटा सा जादूगर दिखाई पड़ा, हाथ में चार खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बांधा हुआ था, मस्त मानी चल चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। उस छोटा सा बालक ने जब कोलकाता में मिला तो बोला कि आज कहिए, आज खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था श्रीमती जी। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के का रोक नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल के अपना अभिनय करने लगा। भालू नाचने लगा, बिल्लियां रुड़ने लगी, बंदर गुरकने लगा, छोटा छोटा सा जो खिलौना था वो सब अपना अपना खेल दिखाने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा और काना निकला, लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था, सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। मैं सोच रहा था कि बालक की जरूरतों को कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, काले के सूत में डोर टुकड़े टुकड़े होकर जुट गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब चले जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया, वह उछल पड़ा। उनकी पत्नी ने 1 रुपया उस दिखाने वाले को दे दिए, उसने उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। उसने बोला कि हमें छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती का कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, आह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना, वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज में देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल का संध्या साये साये करने लगा, हवा वहां पे साये साये बहने लगी। डूबते हुए सूरज का अंतिम किरण पड़े कि पत्तिया से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था, धीरे धीरे मोटर की हवार ओ की ओर जा रहा था। रह रहकर छोटा जादूगर का स्मरण हो जाता था। सचमुच वहां एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है, मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पतालों से निकाल दिया गया है, मैं उत्तर दिया। उस झोपड़ी में देखा तो क्या एक स्त्री चिथरों से लदी हुई कांप रही थी। उस झोपड़ी में एक चित्री, मतलब कपड़ा फटा पुराना पहनी और ठंड के कारण कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े।
बड़े दिन छुट्टी भी चली थी, मुझे अपने ऑफिस का समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उसको देखा, देखते ही इच्छा हुई, साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता था। और भी मैं उस दिन अकेला चल पड़ा था, जल लौट आना था, 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंग मंच सजा हुआ था। मोटर रोककर उतर पड़ा और बिल्लिया रूठी हुई थी, भालू मनाना चला था, ब्याह की तैयारी हो रही थी। फिर से वहीं पे खेल वो अपना छोटा जादूगर दिखा रहा था। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तारीफ नहीं थी। वह जब औरों के हंसने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो वैसे उसकी रोए रो रही थी। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ से मुझे देखा। वह जैसे ही क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ पर थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले हो आए हो? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के स्वरूप का माप अपना ही साधन होता है, उसी के हिसाब से वह तुलना करता था। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपने अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले में के को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाता हुआ हुए मैंने कहा, जल्दी चलो मोटर वाला। मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास गया पहुंचा। जादूगर ने दौड़ कर झोपड़ी में मां पुकारता हुआ घुसा। मां पीछे था, कुछ था ही नहीं, किंतु स्त्री के मुंह से वे निकल कर रह गया था। उनकी माँ देख मर चुकी थी। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उसे साफ धूप से सारा संसार जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। यही उस छोटा सा नन्ना सा बालक का कहानी था कि वो सब हर एक दिन अपना दिखाता था और अपने माँ का इलाज करा था, लेकिन उस दिन उनकी माँ नहीं रही। चलिए आपको इसमें आपका वर्ड मीनिंग होमवर्क मिलेगा। आज क्या